दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्यों तैरती है लाश पानी में जबकि जिंदा इंसान डूब जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। क्या आप जानते हैं, जीवित शरीर पानी में डूबता है लेकिन मृत शरीर पानी में तैरता है। कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति पानी में डूब कर मर जाता है तो कुछ समय बाद उसकी लाश पानी की सतह पर आ जाती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो आइए दोस्तों, हम इस बारे में इस लेख में जानेंगे क्यों तैरती है डेड बॉडी पानी में जबकि जिंदा इंसान डूब जाता है। इस प्रश्न को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि जिस चीज़ का घनत्व यानी कि डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होता है वो चीज़ पानी में आसानी से डूब जाती है। डूबते समय हमारे शरीर का डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जीवित शरीर पानी में नीचे की ओर डूबने लगता है। जब कोई व्यक्ति डूबता है तो उसके फेफड़ों में काफ़ी पानी चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। शुरू में लाश पानी के नीचे डूबी रहती है, लेकिन जैसे ही शरीर सड़ना शुरू होता है उसमें से गैसें निकलनी शुरू हो जाती हैं तो लाश पानी में ऊपर की सतह की ओर आ जाती है। ऐसा बॉयंसी के कारण होता है। जब कोई मरता है तो उसके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली काम करना बंद कर देती है और शरीर का वातावरण भी स्थिर नहीं रहता, जिससे धीरे धीरे शरीर के अपघटन डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें शरीर के अंदर और बाहर बैक्टीरिया शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया को प्यूट्रिफैक्शन भी कहा जाता है, जो कि भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं की श्रृंखला है। शरीर के मरने के साथ ही इसमें मौजूद बैक्टीरिया भी नष्ट नहीं होते। ये बैक्टीरिया शरीर के विभिन्न हिस्सों में मौजूद शुगर प्रोटीन का उपभोग करते हैं और गैसों जैसे मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन को शरीर से बाहर निकालते हैं। जैसे जैसे शरीर सड़ना और सूजना शुरू होता है एक नई गैस विकसित होती है, जिससे आखिरकार लाश ऊपर की ओर आती है। शरीर का वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन शरीर का वजन नहीं, जिससे लाश को तैरने में आसानी होती है। मृत शरीर का घनत्व पानी से ज़्यादा होने के कारण यह पानी में नीचे डूब जाता है। जब पानी के नीचे हमारे मृत शरीर में गैसें बनती हैं जो कि पानी से हल्की होती हैं, ये बॉडी के घनत्व को कम कर देती हैं। कुछ समय बाद लाश का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में हल्का हो जाता है, जिससे मृत शरीर पानी की सतह में तैरने लगता है। पानी में डूबने के बाद पानी की सतह तक आने में बॉडी को कुछ 2-3 घंटे, दिन या सप्ताह भी लग सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो।